क्या कर रही है? पता नहीं आज घर में मेहमान आने वाला है, चल मेरे साथ घर को थोड़ा सजा। माँ क्या घर सजाओ, हमारे घर में चीजें ही कहाँ है सजाने के लिए? वॉल पे डेकोरेट करने के लिए एक दादाजी और दूसरी दादी का फोटो ही तो है ना। जाके 5 रुपए का माला खरीद के लगा देती हूँ। अब हमारे पास उतना पैसा ही कहाँ जो घर सजाने के लिए चीजें खरीदे। अरे माँ चिंता मत करो, पैसे की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे रूम डेकोरेट कर लूँ। हाँ तो करना। हाँ कर देती हूँ, पर अब सबको रूम डेकोरेट करना है ना, तो झट से वीडियो को एक लाइक कर दो। और हाँ सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, जल्दी से कर दो। देखो पहले तो हमें ले लेना है कुछ आर्ट पेपर्स और इन्हें छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लेना है। अब एक स्क्वायर साइज का पेपर लेकर उसे ऐसे फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके यहाँ पे लगाना है ग्लू और ऐसे चिपका देना है। ऐसे ही हमने बहुत सारे बना लेना है, देखो डिफरेंट कलर्स के भी बना लिए हैं हमने। अब भाई हमें ऐसा एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड लेना है और यहाँ पे लगाना है ग्लू। ग्लू लगा के एक कोन लेकर इसके ऊपर चिपका देना है। ऐसे पेपर कोन को हमें सजाना है। कोन से पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ऊपर की तरफ भी ग्लू लगाना है और फिर से हमें ऊपर की तरफ भी लगाना है। ऐसे ही जब तक ये फ्लावर टाइप ना दिखे तब तक कोन को ऐसे ऊपर की तरफ चिपकाते जाना है। लो एक बन गया। अब सेम तरीके से हमने दूसरे कलर का भी बना लिया है। अब जब इसे वॉल पे लगाओगे ना तो लगेगा महंगा वाला वॉल डेकोर है। कुछ नया कर, तेरे बाप को बोलना पैसा देने के लिए। ए, क्या बे? बाप पे जाना नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाप पे जाने की? Oh, no. तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताने मारने की? मैं ताना नहीं सच्चाई बता रही थी, घर की दूसरे चीजों के साथ साथ लाइट को भी तो चमकीली करनी चाहिए कि नहीं? चमकीला? हाँ अब देख कैसे मेरा लाइट चमकीला बनता है। भाई पहले तो अपना नॉर्मल सा बल्ब लो, बल्ब के चारों तरफ अच्छे से ग्लू लगाने के बाद हमें लेना है ग्लिटर। ग्लिटर को बल्ब के ऊपर पूरा स्प्रेड कर देना है। अब सेम तरीके से दूसरा बल्ब लो, ग्लू लगाने के बाद हम दूसरे कलर की ग्लिटर लेंगे और बल्ब के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। लो ग्लिटरी बल्ब भी हमारा तैयार हो गया। अब पकड़ने में थोड़ा हेल्प हो जाए इसलिए हमने इसे रस्सी से बांध लिया है। अब ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं ग्लिटरी टेप। क्यों अच्छा लग रहा है ना? अब क्या मेहमान सिर्फ घर को ही देखेंगे, मुझे भी तो देखेंगे। ऐसा तैयार हो लेती हूँ। तुझे दुख नहीं होता? मुझे तो बहुत दुख होता है। किस बात का? अरे मिरर में सिर्फ अपने आप को देखती है, कभी कभी मिरर को भी देख लिया कर, इसे भी तो सजने सवरने का मन करता है। क्या मिरर को सजने का मन, मतलब क्या है तेरा? अभी यही मिरर 20 साल से चल रहा है, अब कोई घर में आके इतना पुराना सामान देखेगा तो क्या सोचेगा? Oh, no. इतना कुछ DIY करके घर सजाया, अब मिरर की वजह से मेरा इमेज ही खराब हो जाएगा। चल कुछ करते हैं। भाई पुराना मिरर देख देख के पक चुके हो ना, तो घर में ही पड़े हुए कुछ फ्लावर ले लो। अब अपने पुराने मिरर के फ्रेम के ऊपर एक साइड के कॉर्नर वाइज हमें सारे फ्लावर्स को एक एक करके ऐसे चिपकाना है। ऊपर की तरह ही सेम नीचे की तरफ भी एक एक करके सारे फ्लावर को चिपकाते जाना है। अब देखो पुराना मिरर हमारा एकदम नया और सुंदर बन गया है ना। अरे बाप रे ये कितने सुंदर है, घर पे लगाने से तो एकदम चार चांद लग जाएगा। हाँ एकदम, पर इसकी प्राइस भी देख कितनी सुंदर है। ओह नो, इससे अच्छा तो मैं एक जैसे खरीद लूँ, इस पैसे में तो हो ही जाएगा। हाँ ड्रेस तो हो जाएगा, पर रूम डेकोरेशन का क्या? जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें घर सजाने की सोचने ही नहीं। उफ, लगता है मैं मर जाऊँ। कितनी ओवर एक्टिंग करती है, लगता है मुझे इस रस्सी से ही फांसी लगानी चाहिए। पानी पी ले फिर मरना। पहले तो ऐसे रस्सियों के टुकड़े ले लो। अब रस्सी के टुकड़े को ऐसे पकड़ के एक साइड में ग्लू लगाओ और रस्सी के दोनों मुंह को ऐसे जॉइंट करके राउंड शेप बना लो। देखो ऐसे ही हमने कितने सारे बना लिए। अब हमें लेना है एक बलून और थोड़ा सा ग्लू ऐसे बाहर निकाल लेना है। अब हमने जो राउंड करके रस्सियों को बनाया था ना उसे हमें ग्लू के ऊपर ऐसे रखना है और फिर बलून के ऊपर चिपका देना है। एक एक करके सारे राउंड शेप की रस्सियां लेकर पूरे बलून को कवर कर लेना है। ऐसे जब हमारा पूरा बलून कवर हो जाए तब हमें इसे ड्राई होने देना है और ड्राई हो जाने के बाद बलून को हमें फोड़ देना है और फिर बलून को निकालने के बाद
इसका एक प्यारा सा शेप बन जाएगा। देखो अब जब आप इसके अंदर लाइट लगाओगे ना, इतना औसम लगेगा कि क्या बताओ। मजाक के सिवा और कोई काम है तो कर, नहीं तो भाग यहां से। अरे मजाक नहीं, रुक डी तू रुक, मुझे नहीं चाहिए तेरा वो सख्त DIY। अबे नीता अम्मी ये वाला सख्त नहीं, बहुत इजी है। सच्ची? फिर दिखा। पहले तो हमें कुछ ऐसे राउंड करके आर्ट पेपर काट लेना है, फिर एक राउंड पेपर को लेके ऐसे मिडिल से फोल्ड करना है, देन अगेन मिडिल से ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद इसको ऐसे दो बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पेपर को ऐसे पकड़ के ऐसे ओवल शेप जैसे काट लेना है, और काटने के बाद ये एकदम फ्लावर जैसा बन जाएगा। सेम तरीके से हम और भी पेपर लेंगे और फोल्ड करेंगे, फिर काट के फ्लावर जैसा बना लेंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स बना लो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक फ्लावर लेना है और उसके मिडिल में ग्लू लगाना है, और फिर दूसरे फ्लावर को इसके ऊपर चिपका देना है, फिर इसके ऊपर भी ग्लू लगाना है, और छोटा वाला फ्लावर लेकर ऊपर में चिपका देना है एकदम ऐसे। अब छोटे वाले फ्लावर के ऊपर भी ग्लू लगाना है, और लास्ट में एक मोती लेकर चिपका देना है। देखो हमने कितने सारे मोतियों वाले फ्लावर बना लिए है। अब हमें ऐसा एक पेपर लेना है और नीचे की तरफ से पेपर को ऐसे काट लेना है। पेपर को नीचे की तरफ एकदम ऐसे काटने के बाद ऊपर में हमें ग्लू लगाना है और ऐसा एक डोरी लेकर चिपका देना है। अब हमें पेपर को ऐसे राउंड करके फोल्ड कर लेना है। लो ये तो हमारा बन गया। अब सेम तरीके से हमने ऐसे ही फ्लावर और भी कुछ बना लिया। नेक्स्ट हमें एक ऐसा राउंड शेप का कार्डबोर्ड लेना है। अब कार्डबोर्ड के ऊपर हमने जो रस्सी वाले फ्लावर बनाए थे ना, उसको ग्लू की मदद से ऐसे चिपका देना है। अब हम दूसरे वाले फ्लावर को भी सेम तरीके से चिपका देंगे। सेम तरीके से हमारा जो राउंड शेप का कार्डबोर्ड है उसको इस रस्सी वाले फ्लावर से ना पूरा फिल कर देना है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब नेक्स्ट हमें ऐसा छोटा सा राउंड पेपर लेकर ऐसे रस्सी के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है। देखो हमने सारे के सारे रस्सी में ऐसे राउंड शेप का पेपर लगा दिया है। अब यहाँ पे हमने जो पहले फ्लावर बनाया था ना, उसके पीछे ग्लू लगाकर कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देना है। लो बस बन गया हमारा वॉल हैंगिंग डेकोर। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और लास्ट में चैनल